हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं दो आने वाली शानदार मूवियों के बारे में, जिनकी तुलना हम करेंगे और जानेंगे कि कौन सी मूवी है बेस्ट और कौन सी मूवी होने वाली है ब्लॉकबस्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3 के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कौन सी मूवी है बेस्ट। कार्तिक आर्यन और विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली पर सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी किया गया। 3 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली। यह फिल्म बॉक्स इस पर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सिंघम अगेन से टकराएगी। भूल भुलैया 3 का मुकाबला सिंघम अगेन से अभी से ही शुरू हो चुका है, यानी ट्रेलर को मिले रिव्यूज के मामले में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने अजय देवगन की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में सिंघम अगेन के ट्रेलर ने सभी प्लेटफॉर्म को मिलाकर कुल 13.8 करोड़ व्यूज के साथ नया रिकॉर्ड कायम किया था। हालांकि इस फिल्म का रिकॉर्ड महज 2 दिनों तक ही कायम रहा। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने व्यूज के मामले में सिंघम अगेन को काफी पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म ने पहले 24 घंटे में सभी प्लेटफॉर्म को मिलाकर 15.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर डाले। इस कीर्तिमान के बाद फिल्म के अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, शानदार प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, यह दिवाली भूल भुलैया वाली। और वहीं बात करें हम सिंघम अगेन की, तो इस फिल्म में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान चुलबुल पांडे के रूप में कैमियो भी कर सकते हैं। वहीं भूल भुलैया 3 की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी में विद्या बालन ने 17 साल बाद वापसी की है। फिल्म में इस बार रूह बाबा का मुकाबला 2 मंजुलिका से होगा। टिकट खिड़की पर इससे पहले आई भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और देखते हैं कि भूल भुलैया 3 भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है कि नहीं।